नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। पूरे मामले में आरोपी तब से ही फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। मामला चंदनगर थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने अपने परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। पूरे मामले में नाबालिग ने परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। तब से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना थाना चंदनगर क्षेत्र की थी, इसमें बालिका के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फरियादिया के जो भी कथन वगैरह थे ले चुके हैं। इसमें प्रकरण में अब चालान कार्रवाई शेष है। पूरा घटनाक्रम किस प्रकार? बालिका जो थी वो घूमने गई हुई थी, तभी आरोपी के द्वारा उसके साथ कृत किया गया। और जब उसने अपने माँ बाप को बताया तो माँ बाप के साथ फरियादिया अपने रिपोर्ट को लेकर थाने आई थी, जिस पर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और तभी से आरोपी की तलाश जारी थी और जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।